वेलकम टू दैट राइट वुल्फ गाइस, मेरा नाम जतिन है और मेरा चैनल बेसिकली फोकस करता है मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। बट आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि द रिएक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स अ सिचुएशन एंड व्हाट द गिवन सिचुएशन इज, मेरे को बहुत ज़रूरी लगा ये वीडियो बनाना एंड गॉट नॉलेज शेयर करना, क्योंकि मेरे हिसाब से आप सिचुएशन को बेटर डील तभी कर सकते हैं जब आपको सिचुएशन की पूरी नॉलेज हो। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अगर आपको ये वीडियो पूरी नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, मत देखिए, बट सेक्शन बी को मिस मत कीजिएगा, वरना ये वीडियो उतनी ही रेलिवेंट रहेगी जितना एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। सेक्शन ए में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस इन जनरल के ऊपर, कि इसका असली नाम क्या है, इंडिया में इसकी करंट हालत क्या है एंड कितने स्टेजेस में ये फैलता है। सेक्शन बी में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर एंड हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो कि हम इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और वो सॉल्यूशंस क्यों नहीं यूज़ किए जा रहे हैं। ये 21 डेज का लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आखिर क्यों रखा गया है। सेक्शन सी में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन इंडिविजुअल लेवल जो कि हम इमीडिएटली फॉलो कर सकते हैं। कोरोना वायरस इज़ बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ लॉट ऑफ वायरसेस। तो इस वाले वायरस का नाम है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 इसलिए क्योंकि 2003 में जो SARS-CoV-1 हुआ था ये उससे काफ़ी हद तक रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम SARS-CoV-2 रख दिया गया है। और जो इससे होने वाली बीमारी है उसको हम COVID-19 के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट mohfw.gov.in के हिसाब से इंडिया में March 24, 2020 तक 469 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से हमें 10 डेथ्स देखने को मिल चुकी हैं एंड 39 रिकवर हो चुके हैं पेशेंट। पैंडेमिक के फैलने के 4 स्टेजेस होते हैं एंड सेम इज द केस विद दिस वायरस एज वेल। पहला केस होता है हमारा इंपोर्टेड केसेस। इंपोर्टेड केसेस में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ट्रैवल करके बाहर से वायरस लेकर आते हैं एंड वो कंट्री में एंटर करते हैं। सेकेंड स्टेज आता है हमारा लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो लोग इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में आए होते हैं उनको वायरस हो जाता है। सेकेंड स्टेज तक सिचुएशन कंट्रोल में रहती है क्योंकि उनको ट्रेस किया जा सकता है जिन जिन के कॉन्टैक्ट में वो लोग आए एंड उनको आइसोलेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे तीसरे स्टेज में आके, जो है कम्युनिटी ट्रांसफ़र। कम्युनिटी ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो कम्युनिटी में स्प्रेड होना शुरू कर देता है एंड वहाँ से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि चीज़ें ख़राब होनी लगती हैं एंड हम लोगों को वायरस को ट्रेस नहीं कर पाते। फोर्थ स्टेज जो आता है हमारा, वो है हमारा एपिडेमिक। ये लास्ट स्टेज होता है किसी भी पैंडमिक का। यहाँ तक आते आते सिचुएशन एक डेड एंड पे पहुँच जाती है एंड वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, जैसा केस अभी हमें इटली और चाइना में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हम अपने सेक्शन बी की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एंटायर वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 21 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन जैसा बड़ा स्टेप क्यों लेना पड़ा। इससे पहले भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स लॉकडाउन कर दिए गए थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन करने की बात कर दी थी, मेट्रोज लॉकडाउन हो चुकी थी, हमारी ट्रेन लॉकडाउन हो चुके थे एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है और उसको करना क्यों ज़रूरी है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी एंड क्या सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन है क्या, और अगर हैं तो उन पे काम क्यों नहीं किया जा रहा, हम इस सेक्शन में वही सब डिस्कस करेंगे। सरकार के सारे एक्शन, सारे प्लान्स को हम एक लाइन में समाप्त कर सकते हैं, वो है प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर। अब यहाँ पे हम दो सिचुएशंस कंसिडर करके चलते हैं। सिचुएशन नंबर 1 कि हम एक बहुत केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड के साथ घूम रहे हैं, जैसा कोरोना नहीं आया था, जैसे हमारी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी तभी, जैसा कुछ लोग कर रहे हैं आजकल। तो उस केस में क्या होगा, इंडिया के स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड सारा लोड हमारे मेडिकल सिस्टम्स पे आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में हम थोड़ा सा सिंसेयरफुली एक्ट करते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियसली लेकर छोटे मोटे प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके हम इसको अपने लेवल पे जितना दूर हटा सकते हैं, जितना रोक सकते हैं रोकते हैं। तो आइए इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि दोनों सिचुएशंस में क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन 1 की। तो जैसा मैंने आपको बताया, सारा हमारा लोड जो होगा वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इतना सक्षम है कि अगर हमारी हालत इटली जैसी हो जाए या चाइना जैसी हो जाए तो उसको संभाल पाएगा। एंड गिवन द फैक्ट कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, मतलब 130 करोड़ है,
तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे हम नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड में 195 कंट्रीज में से 187th रैंक कर रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी वेल सिक्योर्ड एंड कितनी वेल इन्वेस्टेड है हमारी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स पर कि एक्चुअल में कितने हमारे पास बेड्स हैं एंड कितने नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख हैं, 11.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर्स हैं एंड नंबर ऑफ़ आईसीयू एंड वेंटिलेटर्स कम्बाइंड हमारे पास 70,000 हैं। अब ये नंबर्स आपको सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे बट आप इस बात का ध्यान रखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और अगर इंडियन स्लम्स में ये वायरस फैलता है तो इसकी जो फैलने की स्पीड होगी वो इतनी तेज़ होगी कि हम संभाल नहीं पाएंगे ये आउटब्रेक वायरस का। अपनी बात थोड़ी और क्लियरली समझाने के लिए मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो दिखाता है नंबर ऑफ बेड्स पर 1000 पीपल, जो कि चाइना में 4.3:1000 है, इटली में 3.2:1000 है एंड इंडिया में 0.5:1000 है। और ध्यान रखिएगा ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका हेल्थ केयर सिस्टम इस पैंडमिक के आगे हाथ खड़े कर चुका है। क्लियरली हम स्टेज 3 में जाना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना बड़ा आउटब्रेक मैनेज नहीं कर पाएगा। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आता है कि हम वेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से इम्यून हो जाएं, जैसे कि स्वाइन फ्लू और कॉमन कोल्ड से हो गए हैं। बट इसमें दिक्कत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इम्यून होंगे तो ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे एंड जो लोग इन्फेक्टेड होंगे तो डेथ रेट्स जो होंगी वो भी बढ़ जाएंगी एंड हमारे जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं वो इन द प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगे। एंड जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम जो हैं 21 साल पीछे चले जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन जो निकल कर आता है कि हम वेट करें कि जब तक इसकी वैक्सीन्स नहीं बन जाती, बट इसमें दिक्कत यह है कि 6 से 18 महीने का टाइम कम से कम लगेगा वैक्सीन्स बनने में एंड अगेन सेम सिचुएशन, डेथ्स बहुत बढ़ जाएंगी एंड इंडिया के रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे। तीसरा और जो बेस्ट सॉल्यूशन निकल कर आता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे कि बीमारी को आप स्टेज 2 से स्टेज 3 तक पहुँचने ही मत दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इफ़ेक्टिव होती है विद प्रूफ। बट उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो है हमारा फ्लैटन द कर्व। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड सिचुएशन की, जिसमें हम थोड़ा सा सिंसेयरली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करके सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटीज इंडिकेट करती है। एक्स एक्सिस पर टाइम दिया गया है एंड वाई एक्सिस पर इन्फेक्टेड लोगों का नंबर दिया गया है। अब ये जो फिगर है रेड कलर में ये इंडिकेट करता है कि कम टाइम में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करा है वायरस, तो ग्राफ हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सीड कर गया है। दूसरे केस में ज़्यादा टाइम में कम लोगों को या फिर उतने ही केसेस को इफेक्ट करा है तो ग्राफ हेल्थ केयर कैपेसिटीज़ को मीट कर रहा है। आसान भाषा में जो बीमारी 1 लाख लोगों को 1 महीने में होनी है वही बीमारी 1 लाख लोगों को 1 साल में हो, जिससे कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना है एंड वो प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। तो आइए देखते हैं कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हमारे फ्लैटन द कर्व वाले प्रोसेस में कर्व को फ्लैटन करने में हेल्प करती है। बराक ओबामा ने अपने ट्विटर हैंडल पे वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे से और डिटेल में एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा था कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हमें हेल्प करती है इस वायरस से लड़ने में। तो पहला केस डिस्कस करते हैं जब लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए, जैसा कि मैंने सिचुएशन 1 में आपसे बात करी कि लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, एकदम केयर फ्री एटीट्यूड के साथ सब घूम रहे इधर उधर, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो जो आप ग्राफ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर उसमें जो ब्राउन डॉट्स हैं वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सिक पीपल, ब्लू डॉट्स इंडिकेट करती है नंबर ऑफ हेल्दी पीपल एंड जो पिंक डॉट्स हैं वो हमें इंडिकेट करती हैं रिकवर्ड लोगों का डेटा।
अब इस केस में आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी जल्दी हमारा ये जो वायरस है ये फैल रहा है। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं, जब हम एक में से 8 लोगों को, यानी कि जिनका काम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पुलिसमैन जो कि इन्फोर्स करने में हमें हेल्प करेंगे 21 दिन का लॉकडाउन, वो लोग जिनके हेल्थ केयर से रिलेटेड काम है, एंड वो लोग जिनका खाने पीने एंड डेली प्रोडक्ट डेली ग्रॉसरी से रिलेटेड काम है, बेसिकली जिनका बहुत ज़रूरी है निकलना, उनके बिना काम ही नहीं चलेगा, सिर्फ उनको निकलने दें इस 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड के दौरान, तो कैसे ये हमारा जो ग्राफ है इफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम 8 में से सिर्फ एक लोगों को निकलने दें तो कैसे हमारा जो ये कर्व है वो फ्लैट होता जाता है धीरे धीरे, एंड हमें हेल्प करता है सोशल डिस्टेंसिंग से इस बीमारी को लड़ने। तो देखा आपने कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हमें हेल्प करती है इस पूरी वायरस आउटब्रेक से लड़ने में। तो आई हाईली रिकमेंड यू एंड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ घर में बैठिए। आई नो थोड़ा अब तो देखो ऑप्शन ही नहीं बचा है, 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका है तो घर में बैठना ही है। इवन इफ आफ्टर 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ घर में बैठे अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत ज़रूरी काम ना हो। एंड घर में रहकर भी आप थोड़े बहुत प्रिकॉशंस ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिनकी बात हम नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन सी में करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की। हाँ, आपको हैंड वॉश करने हैं, हाँ आपको अपना फेस टच नहीं करना है, बट इसके अलावा जो आपको करना है वो ये कि आपको फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है। फेक न्यूज़ इंसान फैलाता कैसे है, जो आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं ना और उनको जो आप सच समझ के फॉरवर्ड कर देते हो वो फेक ही होते हैं ज़्यादातर। अब द क्वेश्चन इज़ कि आप फेक न्यूज़ पहचानोगे कैसे कि ये फेक है या ये असली है या ये सही है या वो गलत है। तो इस सिचुएशन में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो होते ही इतने कन्विंसिंग है और हम और आप जैसे लोग ही सच समझकर इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस पूरे टाइम में क्या करना है हमें कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई सी भी फेक न्यूज़ या फिर न्यूज़ या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड हमें किसी को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि फेक न्यूज़ वायरस से भी ज़्यादा जल्दी फैल जाती है एंड इसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड तो नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस कि प्लीज़ 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 आप फेक न्यूज़ मत फैलाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारी गवर्नमेंट को रादर देन हेल्प होने की। अगर आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है तो आप घर बैठिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए, दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना है। फेक न्यूज़ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो समझ आई हो एंड आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो जानने में कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको थोड़ा पता हो एंड लोग पैनिक ना करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि इतनी बड़ी सिचुएशन है नहीं, बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, वही फॉलो करके आप अपने आप को और अपने चाहने वालों को बचा सकते हैं।